Hey guys, good evening. Good evening. हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? तो निदिशा जी, लॉकडाउन की सिचुएशन वापस से है, तो इस वक्त में कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ऑनलाइन चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी चल रही है, टीचर्स जो हैं वो बहुत जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। मैं भी लगातार देख रहा हूँ कि हाँ भाई, बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो सारे टीचर्स इनके स्कूल के पढ़ाई करवा रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना क्लास नाइन्थ का हमारा एक टॉपिक है हिस्ट्री का, जिसमें बात की गई है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जी। तो क्यों ना उस पर थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी बात की जाए। हाँ। और अगर सब लोगों को पसंद आता है हमारा ये इंट्रोडक्शन, तो हम इस चैप्टर को भी आगे पूरा जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि मेरा भी कोई टाइम पे ये सब्जेक्ट जो है वो काफी फेवरेट रहा है हिस्ट्री का। तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना निदिशा जी के साथ मिल करके थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर बात की जाए। तो निदिशा, सबसे पहले तो ये बताओ कि हम आखिर ये रिवॉल्यूशन की, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, जो बहुत फेमस रिवॉल्यूशन रहा, इस पर हम बात करी क्यों रहे हैं, इसको क्यों मतलब स्टडी के अंदर इंक्लूड किया गया होगा, क्या लगता है? आई थिंक, मुझे जिस हिसाब से लगता है ये किया गया है क्योंकि जिस तरीके से अभी हम जी रहे हैं वो क्यों है। हम पहले मोनार्की गवर्नमेंट जो थी, हमारी गवर्नमेंट थी, अभी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों है, वो जानने के लिए हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी कि कहीं पे कोई टाइम पे, पुराने टाइम पे किंग लोग जो थे, मोनार्की जैसे आपने कहा कि उनका पूरा रूल था, और धीरे धीरे चेंज होकर के वो डेमोक्रेसी की तरफ आया। तो उसमें बहुत सारे इवेंट्स रहे, बहुत सारे रिवॉल्यूशन रहे, और जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सामने रहा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। चलिए जी, तो एनसीईआरटी की आपकी जो बुक है उसके ही बेस पर हमने आज का हमारा ये जो पूरा चैप्टर है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, उसको हमने तैयार किया है। मतलब जो सारे फैक्ट्स हमने लिए हैं वो उसी बुक से लिए हैं, बराबर। तो हमारी ये जो कहानी है, बिल्कुल इसको कहानी की तरह अगर हम समझें, बिल्कुल एक ऐसा समझें कि कोई मूवी चल रही है, बिल्कुल उस मूवी स्टाइल के अंदर अगर हम इसको समझें, तो एक्चुअल में हमको पहले इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ना पड़ेगा कुछ आगे से। आगे से का मतलब पहले हम बात करेंगे, जैसा आप देख पा रहे हो, 1789 की, और रियल में जब हम लोग फ्रेंच सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे और किंग लुईस के बारे में पढ़ेंगे, वो होगा 1774 में। यानी उसके लिए हम लोग जाएंगे फ्लैशबैक में। तो अभी हम पिक्चर के आगे की, मतलब पिक्चर को शुरू कर देंगे, और वो सब क्यों हुआ, उसके पीछे के रीजंस क्या थे, आखिर क्यों ऐसा हुआ वहां पे, वो सारा हम लोग पढ़ेंगे फ्लैशबैक के अंदर। तो ये जो समय है, ये जो टाइम है, ये है किंग लुईस का टाइम। किंग लुईस भी कौन से, 16 वाले, और ये सुबह का टाइम है, 14th ऑफ जुलाई की डेट है 1789, ठीक है, और जगह हमारी पेरिस की। तो आखिर उस दिन हुआ क्या, कुछ हाइलाइट्स पे अगर मैं बात करूं, तो अराउंड 7000 मैन एंड वुमेन जो हैं वो इकट्ठा हो गए एक जगह पे, गैदर हो गए, इकट्ठा हो गए। और क्यों इकट्ठा हुए, एक गलत फहमी के, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो क्या पर निदिशा बता सकते हो कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग उनको क्या रही होगी? बिल्कुल, उनको लगा था कि जो किंग लुईस 16 है, उन्होंने एक सेना भेजी है इन जो 7000 लोगों को मारने के लिए। ओके, मतलब उनको लगा कि कहीं एक पूरा जो है वो आर्मी ट्रूप जो है वो किंग ने अपॉइंट किया है और जो उन पर अटैक करने वाला है ना। तो ये एक कहीं से, जबकि एक्चुअल में ऐसा था नहीं, किंग लुईस का कुछ प्लान और था। हाँ। और लोगों को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो अराउंड 7000 मैन एंड वुमेन जो है वो गैदर्ड हो गए एक जगह पे, इकट्ठा हो गए। और इकट्ठा होने के बाद उन्होंने क्या किया, क्या किया उन्होंने, क्या किया जल्दी से बताओ। दे स्टॉर्म्ड द फोर्ट्रेस प्रिजनर, एंड उन्होंने जो प्रिजन था वो पूरा, वहां पर 7 लोग थे, उन 7 लोगों को छुड़वा दिया। okay. और जला दिया जो किंग का महल था, पूरा जो मतलब लोग कह सकते हैं जो बेस्टील था वहां पे। हाँ। बराबर, जो एक फोर्ट था उसको जला भी दिया। देखो, उसकी थोड़ी सी और मैं तुमको डिटेल बताता हूँ। जो मैं, ये लोग जब इकट्ठा हो गए वहां पे 7000 पीपल, तो इनको लगा कि भाई जो किंग की आर्मी आ रही है उससे हमको लड़ना पड़ेगा। तो लड़ने के लिए, बट ऑब्वियस है आर्म्स चाहिए उनको, बराबर। जब आर्म्स उनको चाहिए, जब हथियार उनको चाहिए, तो उनको लगा कि ये कहाँ होंगे, तो वहीं पर एक फोर्ट्रेस प्रिजन था, यानी एक अपन कहते ना किले की जो जेल होती है, तो किले की जेल थी। तो उनको लगा कि किला है, जेल है, तो वहां पे बहुत सारे एम्यूनेशन तो होंगे, बहुत सारे हथियार जो है वो वहां पे होंगे, और इस वजह से उन्होंने वहां पे क्या किया, अटैक कर दिया। मतलब उनको ये उम्मीद थी
कि वहां पे बहुत सारा गोला बारूद उनको मिल जाएगा, बहुत सारे आर्म्स मिल जाएंगे, और जिनकी जिनको लेकर के वो क्या कर पाएंगे, जो किंग की जो आर्मी है उसके साथ में फाइट कर पाएंगे, उसके साथ में लड़ पाएंगे, ये उनके माइंड में प्लान था, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख भी रहे हो। ठीक है, अब कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती, जैसा आपने बताया भी कि वहां पे जो प्रिजनर्स थे वो उनको छुड़ा दिया, ज्यादा लोग नहीं थे, 27 persons were there, और उन सातों लोगों को उन्होंने क्या कर दिया, छुड़ा दिया। ठीक है, अच्छा जहां तक हथियारों की बात करें तो ऐसा कुछ ज्यादा उनको तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी ठीक है, जो कुछ मिला उनके दिमाग में, बस उसको दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, अपन सोचे उस सीन को थोड़ा सा अगर अपन विजुलाइज करें, ऐसा सोचने की कोशिश करें, तो ऐसा ही कुछ रहा होगा कि बहुत सारे लोग, इतने 7,000 लोग वहां इकट्ठा हो गए, और जाकर के उन्होंने जो फोर्ट है उसके ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया है, जो प्रिजनर्स हैं उनको सबको छुड़वा दिया है। अच्छा, छुड़वाने के बाद उन्होंने एक बहुत जबरदस्त चीज बोली, जैसा इस पिक्चर में भी देख रहे हो, और जो हिस्ट्री भी कहती है कि ये जो फोर्ट्रेस था इसको उन्होंने डिमोलिश कर दिया, इसको उन्होंने जला दिया है ना, तो जलाते वक्त उनके माइंड में क्या रहा होगा किंग को लेकर के, क्यों जलाया, उनको क्या लगा होगा, हाँ उनको लग रहा था कि ये जो जगह है ये किंग की है ना। तुमने देखा होगा कई बार हम लोग क्या करते हैं, किसी के ऊपर हम लोग गुस्सा है, तुमने मूवीज में देखा है कि किसी पर अगर हम लोग गुस्सा है और उसको अभी अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो उसका जो सामान है उसको तोड़ देते हैं, है ना। तुम लोग ने स्कूल में भी एक्सेप्ट नहीं किया होगा कभी कि ऐसा कोई फ्रेंड है तुम्हारी जिससे तुमको बहुत गुस्सा आ रहा है, और उसका तो कुछ कर नहीं सकते, तो उसका पेंसिल तोड़ दिया तुमने, उसका बॉटल वॉटल किधर से फेंक दिया, और थोड़ा सा बड़े लेवल पे पहुंच जाए तो मूवीज में जैसे दिखाते हैं कि बाहर आकर के उस बंदे का बाइक तोड़ दिया तुमने, उसका कार तोड़ दिया सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, बराबर। तो ऐसा होता है बच्चों, पिक्चर की बात है तो बिल्कुल, और ऐसा रियलिटी में होता है, हम सबके अंदर होता है। तो वही कुछ उन लोगों को भी लगा, उन लोगों को लगा कि यार ये जो है, ये महल जो है, ये जो फोर्ट है, तो राजा का है, तो राजा का तो फिलहाल कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो इसी को डिमोलिश कर दो, इसी को तोड़ दो, फोड़ दो, जला दो, ये सब उन्होंने किया। और एक और बहुत जोरदार चीज, जो स्टोन फ्रेगमेंट्स थे, यानी जो पत्थर के टुकड़े थे वहां के, वो मार्केट में लेके आया और उन्होंने उसको सेल करना शुरू किया। ठीक है, आप सोचो कि ये जो फोर्ट है उसके जो भी स्टोन है, स्टोन फ्रेगमेंट है, उनको बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। तुमको क्या लग रहा है वो खरीद करके उन्होंने घर जाके अपना घर बनाया होगा, है ना, इस वजह से लिए होंगे? नहीं लगता, तो नहीं है, नहीं लगता है। तो तुमको रीजन पता है इसका? इसका बढ़िया रीजन ये था, निशानी देखो क्या लिखा है, सोविनियर ऑफ द डिस्ट्रक्शन। सोविनियर का मतलब क्या हो गया, यादगार, निशानी, अपन लोग निशानी रखते हैं ना पुराने जमाने के हमारे पास में, तो यादगार की तरफ से कि भाई हमने जाकर के ऐसा कभी किंग के महल को तोड़ा फोड़ा था, हमने उसको डिमोलिश कर दिया था, तो उसकी निशानी के तौर पे, है ना, सोविनियर वर्ड देख रही हो तुम, कीप अ सोविनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया कि उन्होंने उसकी निशानी अपने पास रखने के लिए उसको खरीदना शुरू किया, फिर आगे आने वाले हमारे जमाने को, हमारे जमाने में देखो हमने किया था, हमारी जो 7 पीढ़ी आगे आएगी, 7th generation, उनको हम बताएंगे, उस वजह से उन्होंने ये सब रखना शुरू किया, बराबर। अब सवाल ये है कि इतना सब हुआ, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ऐसा क्यों हुआ, व्हाई ऑल दिस हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ? तो देखो रीजन सिर्फ यही नहीं था कि राजा के 7,000 लोग, मतलब राजा की पूरा जो आर्मी है वो आ रही थी और उनको फाइट करना है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में कुछ मतलब एंग्री रहे होंगे, कुछ एंगरनेस रही होगी, चीजें थी, जैसे स्टार्टिंग में ही एनसीईआरटी की बुक आपको कहती है कि जो उनके खाने का मेन सोर्स था ब्रेड, उसकी प्राइस बहुत हाई हो रही थी, लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स भी हो रही थी, किंग की जो पॉलिसीज थी वो उनको कहीं पे पसंद नहीं आ रही थी, ऐसी बहुत सारी चीजें थी। तो ये सब बातों को समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा हिस्ट्री में, एग्जैक्टली हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, हिस्ट्री की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। To understand French Revolution, we have to go into 1774 में जाना पड़ेगा, भी बहुत पुरानी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो बच्चों आप लोगों को हम लेकर के जाएंगे फ्लैशबैक के अंदर भी, लेकिन ये फ्लैशबैक हमारा कब होगा, हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो हमको कमेंट करके बताइएगा कि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का है कि क्या एक्चुअल में वहां हुआ, कैसे लोग वहां पहुंचे, कैसे प्रिजनर्स को उन्होंने छुड़ाया, कैसे डिमोलिश किया, और जो स्टोन फ्रेगमेंट्स थे उनको सेल किया, लोगों ने सोविनियर के तौर पे उसको खरीद लिया, बराबर। लेकिन इस सब के पीछे बहुत ज्यादा गुस्सा था और उसके पीछे रीजंस क्या थे, ये सब फ्लैशबैक में पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो क्या लगता है, मजा आया? बहुत मजा आया। चलो तो मेरे हिसाब से आप लोगों को भी मजा आएगा,
तो अगर मजा आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए जल्दी ही नितिशा और मैं लेकर के आएंगे, ठीक है? तो बाय-बाय कर रहे हैं अभी, ओके बाय-बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी आप लोगों से जल्दी, शब्बा खैर।